अब खजूर के हवाले से कुछ उसकी इंपॉर्टेंस, उसके बेनिफिट्स, और अब इन सब से पहले आज जब रोजा स्टार्ट हुआ है, इंसानी बॉडी के ऊपर रोजे के क्या असरात होते हैं, उसके फवायद क्या हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ खजूर के बारे में बताऊं। खजूर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा कंप्लीट फूड है, ये है वो, तो सब चीजें बिल्कुल ठीक है। खजूर एक अल्लाह का तोहफा है इंसानों के लिए। खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक एंटी वायरल भी है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है, ये एंटी फंगल भी है। और खजूर के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें बाकी खानों में, बाकी इवन फ्रेश फ्रूट्स वगैरह में बहुत कम मिलती हैं। मसलन कैरोटीनॉइड्स होते हैं जिससे हमारी बिनाई बेहतर होती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्फ डिफेंसेस बेहतर होते हैं। खजूर के अंदर एक काफ़ी कैरोटीनॉइड्स हैं, मगर एक कैरोटीनॉइड है जिसको हम नियोजेंथिन कहते हैं। नियोजेंथिन इससे क्या होता है? ये दुनिया का मोस्ट पोटेंट तरीन एक कैरोटीनॉइड है। हमारी आंखों को बेहतरी लेके आता है, हमारे बालों को बेहतर करता है, हमारी स्किन को बेहतर करता है, हमारी बॉडी में से हंट करता है इन्फेक्शंस को, उनको फॉलो करता है, उनको फॉलो करके उनको इनएक्टिवेट करता है। सो ये खजूर के बारे में जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, तो जब आप इसके बारे में जानते हैं तो आप लिटरली इंसान छल हो जाता है। एक और मैं आपको बात बताऊं, खजूर के अंदर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एक मकदार पाई जाती है जिसको हम सेलिनियम कहते हैं। ये ब्राज़ील नट्स में भी पाई जाती है, कुछ पिस्ते में भी पाई जाती है, मगर खजूर के अंदर एक हमारी बॉडी का लाजमी जुज़ है ये सेलिनियम जो है, ये हमारी बॉडी का लाजमी जुज़ है। अगर हमारी बॉडी में ये सेलिनियम के लेवल्स एडिक्वेट हों तो हमें कोविड वायरस नहीं होगी। इतने फायदे डॉक्टर साहब, फिर हम सिर्फ खजूर रमजान और मुबारक में क्यों इस्तेमाल करते हैं? खैर हमारे मैं तो खैर डॉक्टर साहब के साथ जब पहली ट्रांसमिशन बहुत अरसा पहले की थी, डॉक्टर साहब ने जब ये बात की ना तो इन्होंने मुझे कहा कि हर वक्त घर में खजूर रखा करो, स्नैकिंग के लिए फजूल चीजों का इस्तेमाल करने के बजाय खजूर का करो। आई कांट टेल यू डॉक्टर साहब, मेरे बालों की का टेक्सचर, मेरी स्किन, मेरी जनरल एनर्जी लेवल्स, और खजूर लिटरली आप दो खजूर खा लें आपको वो एनर्जी मिल जाती है जो आप पूरा का पूरा खाना खा के और इतनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम सारा साल क्यों नहीं खजूर खाते? ये तो चक्कर ये है कि खजूर की इश्तिहार नहीं आते, बिस्किटों के इश्तिहार आएंगे, ठीक है ना। सो इसलिए ये तो जब हमें अवेयरनेस पैदा हो जाए, और आप, मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि अक्सर आप अक्सर चाय पीते हैं, हम सब लोग दिन में एक आध दफ़ा चाय ज़रूर पीते हैं, और उसके साथ हम लोग कभी कुछ लवाजमात उसके साथ खा रहे होते हैं। चाय पूरी नहीं होती ना उसके बगैर, उसके बगैर तो मैं इनको ये कहता हूँ कि वो चाय जो है वो आपके जिस्म से चीज़ें निकाल के जाएगी, तो ये क्यों ना डायरेटिक है ना जी। हाँ, और ये क्यों ना किया जाए कि ऐसी चाय पी जाए, अगर आप उसमें चाय के अंदर मीठे के तौर पे आप शहद इस्तेमाल करें और साथ आप उसके खजूर इस्तेमाल करें, तो ये आपको एक रिजुविनेट करेगी, आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को रॉब करके बाहर नहीं लेके जाएगी। रमजान पाकिस्तान।